हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज इस एनिमेशन वाले प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे आपका एक जाना पहचाना एंटी मलेरियल ड्रग और इसके काम करने के तरीके। ये ड्रग है हमारा क्लोरोक्वीन। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे प्लाज्मोडियम फैसिफेरम अपने आप को बचा करके इस क्लोरोक्वीन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप करता है। ये जो वीडियो है वो बहुत सिंपल है, इसमें कोई खास डिफरेंट या डिफिकल्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है। इसको अगर आप डेली लाइफ एग्जांपल से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए इसके एक्शन को समझने से पहले हम घर का एक सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। अगर हमारे घर में कुछ सब्जियां बनती हैं या कोई ऐसा चीज़ें बनते हैं, जैसे अभी आपके यहाँ आम का सीजन होगा, जिनको यूज़ करने के बाद उनके यूज़ होने के बाद बचे हुए कुछ प्रोडक्ट को हमको घर से बाहर कचरे के रूप में निकालना पड़ता है, जैसे उनके छिलके वगैरह। अगर हम इन छिलकों को डंप करते हुए चलें उसी जगह पे रखते जाएंगे तो कुछ समय बाद वो ऐसा सिचुएशन डेवलप कर देंगे जहाँ पे वो डिटोरिएट हो जाएंगे, सड़ने लगेंगे, उससे गंदी बदबू आने लगेगी और उस किचन में वहाँ पे किसी और का जा पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में सुबह दोपहर शाम इनमें इन कचरों को बाहर आपके घर से आपके किचन से निकालते रहते हैं, ताकि ये जो टॉक्सिक मेटल बन सकता था, जो गंदी बदबू फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते थे, उनको रोक दिया जाए। यानी कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है उनको आप किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके फेंक देते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं। लेकिन अगर उन्हीं को रख दिया जाए जबरदस्ती, तो वहाँ पे फिर आपका जा पाना, वहाँ पे रुक पाना, वहाँ पे काम कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल को, या यूं कहूँ कि डेली लाइफ पे सबसे कॉमन एग्जांपल को यूज़ करते हुए अगर हम बात करें आज की क्लोरोक्वीन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, तो हम बड़ी आसानी से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। पहले वाले सेक्शन में मैं आपको कुछ इमेज दिखा रहा हूँ, इस इमेज में कुछ बेसिक पॉइंट को क्लियर करूंगा, फिर इनको आप होता हुआ देखेंगे अगले स्लाइड में एनिमेशन के रूप में। जब कभी भी कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज आपको, मुझे या किसी को बाइट करती है, तो वो अपने साथ में मलेरिया के पैरासाइट को लेकर के आते हैं सलाइवा के थ्रू। जब ये पैरासाइट आपके बॉडी में एंटर करते हैं तो पहले तो ये लीवर फेज में जाएंगे और इस लीवर के फेज को हम बोलते हैं प्री रिथ्रोसाइटिक फेज। तो इस प्री रिथ्रोसाइटिक फेज में जब ये कुछ टाइम बाद बर्स्ट हो जाते हैं, डेवलप मैच्योर होने के बाद, तो ये आगे मूव करते हैं आपके आरबीसी में, या इसे हम बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट में। यहाँ पे इरिथ्रोसाइट में मूव करने का जो फेज होगा वो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज होगा। इस इरिथ्रोसाइट में वो आने के बाद जो आपके मलेरिया के पैरासाइट हैं उनके अंदर पाया जाता है पैरासाइट का फूड वैक्यूल, जो कि बेसिकली इन एसिडिक इन नेचर होता है। ये पैरासाइट अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ तो बॉडी के रूप में, एनर्जी के रूप में आपके कुछ पार्ट को यूज करेंगे एज देयर फूल या एनर्जी। तो यहाँ पे वो आपके ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन को अपने एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज करते हैं। अब आपको ये भी मालूम है कि हीमोग्लोबिन है क्या। हीमोग्लोबिन बेसिकली आपके मेरे किसी की भी ब्लड में पाया जाने वाला एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसका इंपॉर्टेंट काम एज अ कैरियर होता है ऑक्सीजन को लेकर के। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लेते हैं और अपने साथ बाइंड करके, क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास चार बाइंडिंग साइट होगा, तो इन पे चारों तरफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करने के बाद थ्रू आउट द बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। इन ऑक्सीजन को यूज करने के बाद जो कुछ मात्रा में CO2 बचा हुआ होता है, सेल के द्वारा लिब्रेट किया गया होता है, इनको ये वापस से लेकर के आने का काम करते हैं। सो ये एक रेगुलेशन का काम हुआ। मेन काम अगर बात करें तो ऑक्सीजन को लेकर जाने का काम हुआ। तो ये ऑक्सीजन को लेके जाने वाले हीमोग्लोबिन को अपने फूड के लिए यूज करते हैं, इसीलिए तो हमको ऑक्सीजन की कमी या वीकनेस फील होता है। चलिए वो तो अलग बात हो गया बेसिक जानकारी के लिए। जब ये हीमोग्लोबिन को लेकर के आते हैं तो आगे जा करके ये हीमोग्लोबिन को यूज करने के लिए इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला पार्ट होगा इनका हीम और दूसरा होता है अमाइनो एसिड। ये जो हीम है आपका वो एक बेसिक इंटरवल में कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट स्टेप में, दैट इज हीमेटिन। अगर ये हीमेटिन बना रहा फाइनल स्टेप मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर ये हीमेटिन ही है जो कि इसका बाय प्रोडक्ट है हीम का, तो वो एक टॉक्सिक होता है उसके नेचर के अकॉर्डिंगली। अगर इस टॉक्सिक मटेरियल को आपका पैरासाइट ऑफ प्लाज्मोडियम इसको बाहर नहीं फेंकेगा या कि दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा जो कि इनके लिए नॉन टॉक्सिक हो, तो वो उसके लिए डेंजरस होगा। तो अपने आप को बचाने के लिए ये जो पैरासाइट है वो इस हीम के बने हुए हीमेटिन को, जो कि टॉक्सिक है, इनको एक नॉन टॉक्सिक मटेरियल यानी कि हेमेजोइन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सकें। ठीक बिल्कुल वैसा ही जैसे हमारी जो सब्जी है मेन हीम, उसके बने वाले कचरा हीमेटिन, इसको आप बॉडी से बाहर तो नहीं, लेकिन इसको आपके कमरे से बाहर निकालने के लिए कचरे के रूप में बाहर डिस्पोज कर देते हैं। तो ये एक उनको सर्वाइवल का प्रोसेस हुआ। तो हमारा जो टारगेट होगा यहां पे क्लोरोक्वीन का यूज करने का, वो यही है कि इनके लिए जो टॉक्सिक है उसको उनके लिए जो टॉक्सिक नहीं है इस बनने के प्रोसेस को रोक दे, ताकि जो उनके लिए टॉक्सिक है वही बना रहे, उसकी मात्रा बढ़ती जाए और फाइनली इसके अधिक होने की वजह से वो जो पैरासाइट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया काफी कुछ। चलिए अब हम अगले सेक्शन में मूव करें तो देखेंगे इनके काम करने के तरीके को होता हुआ एक एक करके।
सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक मलेरिया का पैरासाइट। यूं तो जो मलेरिया का पैरासाइट है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा बाइट होने पे होते हैं, और इसके अलावा भी कुछ बेसिक कारण हो सकते हैं, जैसे अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को मलेरिया है तो वो और किसी पर्टिकुलर पर्सन को जिसको मलेरिया नहीं है ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उनको भी मलेरिया हो सकता है, या एक प्रेग्नेंट वुमेन से उनके फीटस तक जो डेवलप हो रहा होगा उनके वूम में वहां भी मूव कर सकता है। तो यहां पे आप ये समझ के चलिए कि मलेरिया का पैरासाइट इनमें से तीनों में से किसी भी मेथड से होता हुआ आपके आरबीसी में मूव करता है। ये अभी आपने जो देखा ये हमारा एरिथ्रोसाइट है, क्योंकि एक फेज मलेरिया के राइप साइकिल का एरिथ्रोसाइटिक फेज भी होगा, तो यहीं पे हमारा जो ड्रग है आज का क्लोरोक्विन वो अपना असर दिखाता है। ये जो मलेरिया का पैरासाइट है जब वो आपके लीवर के साइट यानी कि प्री एरिथ्रो फेज को क्रॉस करता हुआ आपके एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में पहुंचता है तो ये धीरे धीरे आगे जा करके मैच्योर और डेवलप होने लगते हैं और फाइनली एक स्पेसिफिकली यूं कहूं कि काफी मात्रा में अपना ग्रोथ कर लेते हैं और बर्स्ट होने के बाद दूसरे फ्रेश आरबीसी को भी अफेक्ट करने लगते हैं। साइमल्टेनियसली ये आपके मेल फीमेल गैमेट को भी बनाने लगते हैं जो कि आगे जाकर के मस्कीटो द्वारा वापस से ले लिए जाएंगे जब वो आपको बाइट करने आएगा, तो उनके बॉडी में पहुंचने के बाद दोनों फ्यूज होंगे और आगे जाकर फिर से स्पोरोजोइट बनाएंगे और वापस से साइकिल पूरा हो जाएगा। तो ये जो पूरा साइकिल है इसमें कहीं ना कहीं पैरासाइट है, इनको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी क्या आवश्यकता होगी, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं येलो कलर में सेंटर में ये उसी पैरासाइट का फूड वैक्यूल है जिसका नेचर एसिडिक होता है, यही पे वो फूड को कंज्यूम करने का काम करते हैं। तो जब ये आपके एरिथ्रोसाइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी के रूप में हीमोग्लोबिन का यूज करते हैं, ये जो आप ग्रीन कलर में अभी आप देख रहे हैं ये हीमोग्लोबिन है, सो ये हीमोग्लोबिन को यूज करते हैं और ये हीमोग्लोबिन जो है वो आपके पैरासाइट के फूड वैक्यूल में पहुंचता है। फूड वैक्यूल में पहुंचने के बाद ये हीमोग्लोबिन आगे दो पार्ट हीम और अमाइनो एसिड इन दोनों में कन्वर्ट होगा। ये हीम कुछ बुक्स में हीम के बारे में लिखा गया है और कुछ बुक में हीम के इस बाय प्रोडक्ट हीमेटिन के बारे में बात किया गया है। अगर हम दोनों में से किसी को भी मान लें तो चलिए दोनों ही सही है, हीम हो या हीमेटिन हो ये दोनों ही टॉक्सिक हैं आपके पैरासाइट के लिए। तो अगर मान लेते हैं कि हीम या हीमेटिन जमा होता जाए इसी तरीके से बनता जाए तो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी डेवलप करेगा और पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो अपने आप को बचाने के लिए यहां पे जो आपका मलेरिया का पैरासाइट है जो कि एरिथ्रोसाइट में आ चुके हैं वो इस हीमेटिन को कन्वर्ट करते हैं हेमेजोइन में। तो ये जो हेमेजोइन है वो नॉन टॉक्सिक होता है, इससे वो अपने आप को बचा लेते हैं, सर्वाइव करा लेते हैं। डेफिनेटली हीमेटिन का हेमेजोइन में कन्वर्ट होना आपके पैरासाइट के लिए सही नहीं है, सो हम इस हीमेटिन के हेमेजोइन में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को रोकते हैं। यहीं पे हमारा क्लोरोक्विन काम करता है और ये जो क्लोरोक्विन है वो इस स्टेप को बंद कर देगा। इस स्टेप को बंद या इनहिबिट करने से क्या होगा, अब धीरे धीरे हेमेटिन आपके इसी बेटासाइट के फूड वैक्यूल में डिपॉजिट होने लगेगा और उसके कहां से इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी और ये इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं बर्स्ट हो जाएगा। इसके बर्स्ट होने से आपके पैरासाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज दिखाने वाला हूं जहां पे आप देख रहे हैं येलो कलर का कोई एक पंप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। यूं तो हम बात करें तो मलेरिया के प्लाज्मोडियम आपके क्लोरोक्विन के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, तो जब कभी भी हम क्लोरोक्विन की बात करते हैं और ये क्लोरोक्विन क्योर में पहुंचता है तो पैरासाइट अपने आप को बचाने के लिए इस क्लोरोक्विन को इसी पंप के सहायता से बाहर फेंकने या इफ्लक्स करने का काम करता है। तो इस तरीके से वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट क्लोरोक्विन इस पंप के माध्यम से बाहर मूव करता है और अंदर जो क्लोरोक्विन का कंसंट्रेशन है वो कम होता चलता है और इसके कारण से देखिए क्लोरोक्विन का लेवल कम हो रहा है आपके पैरासाइट के फूड वैक्यूल में। अब ये क्लोरोक्विन नहीं रह गया तो आगे जाकर के ये क्लोरोक्विन के एक्टिविटी को तो कम करेगा ही, तो कम करने के कारण से ये जो आपके कन्वर्जन को रोकने वाला प्रोसेस था वो नहीं रुकेगा और फाइनली प्रोटोजोआ के पैरासाइट है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे और अपने आप को वापस से सरवाइव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये था सिंपल सा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरोक्विन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कहीं किसी भी स्टेप में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का जो कि लॉजिकल क्वेश्चन होगा पक्का पूरा प्रॉमिस की तरीके से आपको आंसर दूंगा। सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू, नमस्कार।